हेलो बच्चों, रोज़ मॉर्निंग में आपका 10 बजे लाइव क्लास होता है, तो आप इस लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें। और जल्दी से आप सभी लोग आ जाए लाइव, 10 बज चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप क्लास को भी आराम से अटेंड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन बोल रहे हैं ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है। दूसरा ये बोल रहे हैं कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर है। तीसरा ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर है। चौथा ये कह रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन है। राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखो, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों का जो अवरोही क्रम है उसमें सबसे पहले कार्बन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, फिर आपका सल्फर आएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के कार्य नहीं है? ऑप्शन वन कह रहे हैं कि इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। सेकंड ऑप्शन है ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मोचन करते हैं। तीसरा ये कह रहे हैं कि विटामिन अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आयरन बाधकों का कार्य करते हैं। चौथा ये कहते हैं उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी है। जो उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी है, तो निम्नलिखित में से विटामिन का कार्य नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसको ध्यान देना। तो देखो बच्चों, निम्नलिखित में से विटामिन का कार्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। विटामिन अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आयरन बंधकों का कार्य करता है, तो ये सी इसका राइट आंसर नहीं है, ये विटामिन का कार्य नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी बी वर्ग के विटामिन की गर्भावस्था में जो गर्भवर्णी को विशेष रूप से आवश्यकता नहीं होती है, जो गर्भावस्था में जो गर्भवती स्त्री होती है उसको किस विटामिन बी वर्ग के विटामिनों की गर्भावस्था में जरूरत नहीं होती है। जल्दी से आंसर दे इसका। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी, निकोटीन। फिर नेक्स्ट है, रक्तहीनता, स्कर्वी, बेरी बेरी आदि रोग दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खिली हुई धूप में रहना चाहिए, अत्यधिक पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए, उपयुक्त पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए, समान भोजन करना चाहिए। तो देखिए, रक्तहीनता, स्कर्वी, बेरी बेरी आदि रोग से दूर रहने के लिए हमें जो उपयुक्त जरूरी पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए, जितनी मात्रा में जरूरी है उतना, ये नहीं ज़्यादा ले लिया, ये भी नहीं बहुत कम लिया, उतना लेना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है और उनकी पूर्ति हमारी बॉडी में हो जाए। तो ऐसे पोषण तत्वयुक्त भोजन लेना चाहिए हमें रक्तहीनता में, स्कर्वी में और बेरी बेरी आदि रोग दूर करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिक मात्रा में मिलने वाला खनिज लवण का सही समुच्चय क्या है? और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। तो देखो,
देखो, मानव शरीर में अधिक मात्रा में मिलने वाला खनिज लवणों का सही समुच्चय है ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत है। जो फास्फोरस है वो पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत है। दूध, अंडा, चना की मछली, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रोज़ मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ और ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है। तो आपको बताना है फास्फोरस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत है। दूध है, अंडा है, चना है कि मछली है, ये आपका होमवर्क है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण कि जल। तो बच्चों, निम्नलिखित में से सुरक्षात्मक पोषक तत्व नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर प्रोटीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर प्रोटीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखो, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर प्रोटीन को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, सरल प्रोटीन और सयुग्मी प्रोटीन के निम्नलिखित में से प्रकार हैं। सरल प्रोटीन और सयुग्मी प्रोटीन के निम्नलिखित में से क्या प्रकार हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सरल प्रोटीन और सयुग्मी प्रोटीन के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है आंसर है, एल्ब्यूमिन और न्यूक्लियो प्रोटीन। तो सी इसका करेक्ट राइट आंसर है, सरल प्रोटीन और सयुग्मी प्रोटीन के ये दो प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन के कार्यों को इंगित करता हुआ कथन नहीं है। ऑप्शन वन ये कह रहे हैं हार्मोन संश्लेषण में भाग लेना। ऑप्शन बी ये भी कह रहे हैं कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी ये कह रहे हैं हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसी संवहन का कार्य। ऑप्शन डी ये कह रहे हैं वसा के उपयोग हेतु अत्यंत आवश्यक। तो निम्नलिखित में से प्रोटीन के कार्यों को इंगित करता हुआ कथन नहीं है, हार्मोन संश्लेषण में भाग लेना कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसी संवहन का कार्य कि वसा के उपयोग हेतु अत्यंत आवश्यक। तो देखो, निम्नलिखित में से जो प्रोटीन का कार्यों को इंगित करता हुआ कथन नहीं है, तो वो है हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसी संवहन का कार्य। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गलत है। इसका राइट आंसर डी है आपका, हाँ डी है, सी नहीं है, इसका राइट आंसर डी है, सॉरी बच्चों डी है इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से प्रोटीन के कार्यों को इंगित करता हुआ कथन नहीं है, तो हार्मोन संश्लेषण में भाग लेना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसी संवहन का कार्य करना, ये सब कार्य हैं, पर आपका वसा के उपयोग हेतु अत्यंत आवश्यक ये इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है। तो वसा के उपयोग हेतु अत्यंत आवश्यक, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम के महत्व को बताता है। ऑप्शन वन हड्डी के विकास हेतु सहायक। ऑप्शन बी रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक। ऑप्शन डी रक्त दाब नियंत्रण करना। तो निम्नलिखित में से कैल्शियम के महत्व को क्या बताता है, जो कैल्शियम का महत्व है वो क्या बताता है।
तो देखिए निम्नलिखित में जो कैल्शियम का महत्व है वो रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। तो बी इज करेक्ट आंसर है। बालकों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर दें। और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है और ये भी आपका होमवर्क में है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देती हूँ, देखो घेंगा होगा नहीं, लकवा होगा नहीं, पेचिस होगा नहीं, तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। तो बालकों में प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आज की ये कुछ प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 10 बजे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसी पैटर्न में आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।